नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आप प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे और इसके हमने 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे का क्वेश्चन देखिए, चौथे का क्वेश्चन है कि यहाँ पे ए डैश का मान हमें दिया गया है और एक बी आप भी दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है ए प्लस 2 बी का होल डैश क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है हमें ए डैश का मान, और हमने जो है पिछले ही सवालों में बताया है कि ए डैश का एक बार और यदि आप डैश निकाल देते हैं तो वो आपको ए आप भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप इसका और डैश निकालेंगे, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे, तो देखिए -2 3 अभी बना है पंक्ति, लेकिन इसे आप स्तंभ में परिवर्तित कर दीजिए -2 3 को, और 1 2 जो पंक्ति बना है इसे भी हमने स्तंभ में परिवर्तित कर दिया, तो ए आव्यूह तो आपको प्राप्त हो गया। अब यदि हम देखें, हमें बी आव्यूह भी दिया गया है, वैसे हमें तो बी आव्यूह के डैश की तो जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसका डैश तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे। अब देखिए, अब हमें जो चीज चाहिए उस चीज की यदि हम बात करें, हमें ए प्लस 2 बी का होल डैश चाहिए। तो पहले तो हम ए प्लस 2 बी का मान ज्ञात कर लें कितना होगा। तो ए प्लस 2 बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ए आव्यूह रखेंगे पहले। तो ए आव्यूह यहाँ पे देखिए -2 3 1 2 जे रहा आपका ए आव्यूह, प्लस चिन्ह लगा के 2 लिखा हमने, और बी के स्थान पे बी आव्यूह रखा -1 1 0 2 जे रहा आपका यहाँ पे बी आव्यूह। अब देखिए, यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 3 1 2 लिखा हमने। देखिए पहले सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा यहाँ हर एक अवयव से करना होगा, तो 2 का गुणा -1 से -2, 2 का गुणा 1 से तो +2, 2 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा 2 से तो 4। आप देखिए, आप दोनों आव्यूहों को जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने पे देखिए आपको क्या मिल जाएगा, यहीं पे यदि हम जोड़ देते हैं तो -2 में -2 जोड़ेंगे -4, और यहाँ 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, मतलब आपको ए प्लस 2 बी का मान मिल चुका है। अब हमें तो चाहिए ए प्लस 2 बी का होल डैश, तो हम कह सकते हैं कि आता है ए प्लस 2 बी का होल डैश चाहिए, मतलब यहाँ पे जो ए प्लस 2 बी का मान आया है इसे अब परिवर्त आव्यूह के रूप में बदलेंगे, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे। तो -4 1 जो पंक्ति बना है उसे अब हम स्तंभ बना देंगे, 5 6 जो पंक्ति बना है इसे हम स्तंभ बना देंगे। तो इस प्रकार से ए प्लस 2 बी का होल डैश ज्ञात हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, ए तथा बी दो आव्यूहों के लिए सत्यापित करना है कि ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश के, जहां पे पहले सवाल में ए आव्यूह का मान आप यह लेंगे और बी आव्यूह का मान आप यह लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 सवाल दिए गए हैं, जिनमें से हम पहला सवाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले सवाल में एक ए आव्यूह दिया गया है, एक बी आव्यूह दिया गया है। अब देखिए, हमें इनके डैश की जरूरत होगी ही आगे, तो हम इनके डैश यहीं पे निकाल देते हैं। ए डैश का मान क्या होगा, तो देखिए ए आव्यूह में जो यहाँ पे स्तंभ के रूप में पूरी संख्याएं लिखी हैं उसे हम अब पंक्तियों के रूप में लिखेंगे, तो 1 -4 3 पूरी संख्या जो स्तंभ में थी पंक्ति में परिवर्तित कर दी, तो ए डैश ज्ञात हो गया। तथा यदि हम बात करें बी का डैश भी हम ज्ञात करेंगे, पूरी संख्याएं जो हैं एक पंक्ति में लिखी हैं उसे हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे, तो -1 2 1 ऐसे पूरे हमने स्तंभ के रूप में बदल दिया, तो बी डैश ज्ञात हो गया। अब देखिए, जो हमें सत्यापित करना है ए बी का होल डैश, तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ए बी ज्ञात करेंगे, मतलब ए बी का गुणनफल, फिर उसके बाद ए बी का डैश आएगा। तो देखिए, ए बी का गुणनफल आप कैसे ज्ञात करेंगे, ए आव्यूह का मान रखेंगे, तो देखिए ए आव्यूह का मान कितना है, 1 -4 और 3, ये रहा आपका ए का मान। और बी आव्यूह की यदि हम बात करें तो बी आव्यूह क्या है, -1 है 2 है और 1 है। अब आप ध्यान देना, दोनों का गुणा कैसे आप करेंगे,
यदि हम देखें पहले अवयव की जो कोटि है तीन पंक्तियां एक स्तंभ, और दूसरे की यदि कोटि देखें तो एक पंक्ति है तीन स्तंभ हैं। तो यहां पे ध्यान देना इनका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 3/3 में आएगा। 3/3 में मतलब इनका जो गुणनफल होगा उसमें तीन पंक्तियां होंगे तीन स्तंभ होंगे, तो यहाँ पे टोटल 9 अवयव होंगे। तो ध्यान रखना यहाँ 9 अवयव फिर कैसे आप ज्ञात कर पाएंगे, तो देखिए 1 -4 3 है और यहाँ पे जिससे गुणा करना है -1 2 1 है। अब हमें तो पता है पंक्ति का गुणा स्तंभ से होता है, पंक्ति में केवल एक ही अवयव, स्तंभ में भी केवल एक ही अवयव है, तो गुणा करेंगे तो केवल एक ही अवयव आएगा। 1 और -1 का गुणा करेंगे तो -1 आएगा। फिर देखिए 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे अगला अवयव आएगा 2, फिर 1 का 1 के साथ करेंगे तो और अगला आएगा, मतलब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर यहाँ पे 13 आएगा। अब हम दूसरी पंक्ति का करेंगे इन तीनों के साथ तो 21 22 23 अवयव आएंगे। तो यहाँ -4 का -1 से करेंगे +4 आएगा, और फिर -4 का 2 से करेंगे -8 आएगा, फिर -4 का 1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब देखिए तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे तो 31 32 33 आएंगे, 3 एकम 3 माइनस के आएंगे और 3 दूनी 6 आएगा, 3 एकम 3 आएंगे। तो इस प्रकार से ए बी का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम जो है ए बी का, ठीक है ना, जब आपको ए बी ज्ञात हो गया है तो ए बी का डैश भी ज्ञात हो जाएगा, कैसे, पंक्तियों को स्तंभों में बदल के। तो देखिए यहां जो भी पंक्ति दिख रही है उसे अब आप स्तंभ के रूप में बदलेंगे, तो -1 2 1 जो यहाँ पंक्ति है उसे आप स्तंभ के रूप में परिवर्तित कर देंगे, 4 -8 और -4 इसे भी हम स्तंभ के रूप में, तो 4 -8 -4 स्तंभ बना दिया है हमने, और फिर -3 6 3 को भी स्तंभ बनाएंगे तो -3 6 3 को भी स्तंभ बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ए बी डैश तो ज्ञात हो गया। अब हमें बी डैश और ए डैश का गुणा भी करना है, तो हमने लिखा तथा बी डैश इंटू ए डैश अब हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए बी डैश का मान रखेंगे, बी डैश का मान यह है, देखिए आपके पास -1 है 2 है फिर 1 है, तो ये रहा आपका बी डैश का मान, और ए डैश का मान इंटू में यदि आप फिर रखेंगे तो ए डैश का मान यह है, तो यहाँ पे 1 -4 3। देखिए यहाँ फिर वैसी ही स्थिति है, तो फिर आपके 9 अवयव ही यहाँ पे प्राप्त होंगे। यहाँ पे अब पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से तीसरे स्तंभ से करेंगे, -1 का यदि 1 के साथ करेंगे, -1 -4 का -1 के साथ करेंगे तो +4 आ जाएंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे यदि हम देखें तो -1 का 3 के साथ करेंगे तो -3 आ जाएंगे, और फिर आप दूसरी पंक्ति का आप इन तीनों के साथ करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा, और 2 का 3 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर तीसरी पंक्ति का इन तीनों स्तंभ के साथ तो 2 एकम 2, 1 का -4 के साथ करेंगे तो -4 आएगा, 1 का 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमें बी डैश और ए डैश का गुणनफल भी ज्ञात हो गया। अब हम देख सकते हैं कि ए बी डैश का जो मान आया था वही मान बी डैश इंटू ए डैश का आया है, तो आप कह सकते हैं यहाँ स्पष्ट है कि यह मान इस मान के बराबर है। तो देखिए हमने लिखा यहाँ स्पष्ट है कि ए बी का होल डैश बराबर है बी डैश इंटू ए डैश के, यही हमें सत्यापित करना था, तो आप लिख सकते हैं जो कि सत्यापित हुआ या जो कि सत्य है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन 5वें का कंप्लीट हुआ। अब देखिए 5वें का दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें ए और बी के मान बस बदले हैं, बाकी आपको सत्यापित वही करना है कि ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश के। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने लिखा दिया है, एक अवयव ए दिया गया है, एक बी दिया गया है, देखिए तो हम इनके डैश निकाल लें क्योंकि डैश की हमें आवश्यकता है। देखिए ए डैश की यदि हम बात करें तो पंक्तियों को स्तंभों में बदलते हैं या स्तंभों को पंक्तियों में, तो यहाँ पूरी लाइन स्तंभ में लिखी है, पूरी लाइन को हमने पंक्ति में कन्वर्ट कर दिया तो ए डैश ज्ञात हो गया। बी डैश की यदि हम बात करें तो देखिए बी डैश क्या होगा, यहाँ पूरी लाइन एक ही है पंक्ति में लिखी है, इसे हम स्तंभ बना देंगे, तो 1 5 7 को हमने स्तंभ के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब देखिए जो हमें सत्यापित करना था, ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश माइनस ए डैश, तो देखिए यह जो सत्यापित करना था तो इसके लिए पहले तो हमें ए बी का गुणनफल ज्ञात करना होगा,
फिर जो है बाद में हम ए बी के गुणनफल का डैश निकालेंगे जैसा हमने पिछले सवाल में किया है, फिर बाद में बी डैश और ए डैश का गुणा करेंगे। तो यहां पे अब हम क्या करते हैं, ए बी का गुणा करते हैं, ए आव्यूह का और बी आव्यूह का हम गुणा करेंगे। तो देखिए ए आव्यूह का मान क्या था आपके पास, 0 1 2 था, ठीक है ना, जे रहा 0 1 2। और बी आव्यूह की बात करें तो बी आव्यूह क्या है यहाँ पे, 1 है 5 है 7 है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे दोनों का गुणा, तो देखिए इनका गुणा अब हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 1 2 यदि हम इसकी बात करें तो इसमें 3 पंक्ति 1 स्तंभ है, यदि हम दूसरे आव्यूह की बात करें 1 5 7 तो यहाँ पे 1 पंक्ति 3 स्तंभ है। इनके 1 और 1 तो बिल्कुल समान है, बीच की संख्या समान होती है और आंसर 3/3 में आएगा, मतलब 9 अवयव में आंसर आएगा। तो देखिए 9 अवयव में कैसे आएगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 3 अवयव आएंगे, 11 12 13। फिर दूसरी पंक्ति का तीनों से गुणा करेंगे तो 21 22 23। फिर तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे आप तीनों के साथ तो 31 32 33 अवयव आएंगे। देखिए इनका गुणा आप कैसे आप करेंगे, 0 का गुणा 1 5 7 से करेंगे तो सब जगह 0 0 ही आएगा, और फिर 1 का गुणा 1 5 7 से करेंगे तो 1 आएगा 5 आएगा 7 आएगा, तो यहाँ पे 1 5 7 आ गया। फिर 2 का गुणा यदि आप इनसे करेंगे तो 2 1 2 2 5 10 2 7 14, यहाँ पे 2 आएगा 10 आएगा और 14 आएगा। तो इस प्रकार से आपका ए बी का मान ज्ञात हुआ है। अब देखिए हमें ए बी का डैश ज्ञात करना था, तो ए बी का हम डैश ज्ञात करेंगे, तो इसीलिए ए बी का डैश, ठीक है ना, डैश मतलब पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर देना है। 0 0 0 जो पंक्ति बना है इसे अब हम स्तंभ बनाएंगे, 1 5 7 को भी स्तंभ बनाएंगे, 1 5 7 को स्तंभ, 2 10 14 तो यहाँ 2 10 14 को भी स्तंभ बना के लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमें ए बी का होल डैश प्राप्त हुआ है। अब देखिए हमें जो सत्यापित करना था उसमें बराबर साइड में क्या लाना था, बी डैश इंटू ए डैश, तो अब हम बी डैश और ए डैश का गुणा करेंगे। तो हमने लिखा ये तथा अब हम क्या निकालने वाले हैं, बी डैश इंटू ए डैश निकालेंगे। तो देखिए बी डैश का मान और ए डैश का मान यदि आप रखते हैं तो बी डैश क्या है आपके पास, 1 5 7 है, और इसका यदि आप गुणा करेंगे ए डैश में, ए डैश क्या है, 0 1 2 है। अब देखिए जैसा हमने गुणा यहाँ पे बताया वैसा ही गुणा आपको यहाँ पे भी करना होगा, यहाँ भी 9 अवयव आएंगे। पहली पंक्ति का गुणा, पंक्ति में एक ही अवयव है, स्तंभ में भी एक ही अवयव है, तो पंक्ति का स्तंभ के साथ करते चलिए, 1 का 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, 1 का 1 के साथ करेंगे 1 आएगा, 1 का 2 के साथ करेंगे तो 2 आएगा। फिर 5 का आप करेंगे दूसरी पंक्ति का इन तीनों स्तंभों के साथ, 5 का 0 से करेंगे 0, 5 का 1 से करेंगे 5, 5 का 2 से करेंगे 10। अब हम जो है इस तीसरी पंक्ति का गुणा भी इन तीनों स्तंभ से करेंगे तो 7 का 0 से करेंगे 0, 7 का 1 से करेंगे तो 7, 7 का 2 से करेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा। और आगे यदि आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ए बी का होल डैश आया था वही बी डैश इंटू ए डैश का मान आ गया है। तो हमने लिखा यहाँ स्पष्ट है कि ए बी का होल डैश का जो मान था वही मान बी डैश इंटू ए डैश के बराबर है, और यही हमें सत्यापित करना था। तो हम लिख सकते हैं जो कि सत्यापित हुआ या जो कि सत्य है, जो चाहे आप वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 5वें क्वेश्चन का सेकंड सवाल भी कंप्लीट हुआ। आगे के वीडियो में आप आगे के सवाल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।